जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उदित भदौरिया ने होटल सीतावन और ग्वालियर में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर एक मीटिंग रखी। इसमें कर्मचारियों की लंबित मांग, पदनाम विनियमित कर्मचारी, पुरानी पेंशन बहाली सहित अनेक मांगों पर चर्चा की गई। उदित भदौरिया ने कहा कि वो कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलकर कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान करने के लिए कहेंगे। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भदौरिया, नंदकिशोर गोस्वामी, ग्वालियर के जिला अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, रामबाबू सिंह राणा, अमित उपन्यू, दीपक राजपूत, रमाकांत उपाध्याय, लक्ष्मण रजक, नीरज सोलंकी, सत्येंद्र शर्मा, धर्मवीर सिंह हुरैया, हेमंत त्रिवेदी, अशोक सोनी, प्रीतम गोयल, राजनारायण दीक्षित सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज खबर आठ पर। इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के होटल सीता मैनोर में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया जी। आज इनके द्वारा एक सभा का आयोजन जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ ग्वालियर का किया गया है। आइए जानते हैं इनसे कि सभा का आयोजन इस होटल में क्यों किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आप जो पूछना चाहते हो दोबारा वो हम आपको फिर से रिपीट करते हैं कि प्रदेश में शासकीय सेवक ही सरकार बनाते हैं। सरकार कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है ये भी शासकीय सेवक मतलब प्रदेश का कर्मचारी जानता है। प्रदेश के कर्मचारी भी हमेशा सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो हमेशा उनकी अनदेखी करते हैं और सरकार भी वही बनाते हैं। अब कर्मचारी वो जागृत नहीं है, वो समझ नहीं पाता सरकार कौन, वो सोचता है किसान बना रहा है, मजदूर बना रहा है, लाडली बहना बना रही है, मध्यम व्यवसायी बना रहा है, ऐसा समझ के चलते हैं। सरकार में बैठे हुए लोग भी यही समझते हैं कि सरकार ये जनता में बैठे हुए किसान और मजदूर बना रहा है। उन्हें ये नहीं मालूम उन्हीं कर्मचारियों के भाई बहन किसान हैं, वही मजदूर है, वही लाडली बहना है, वही विनियमित अनियमित है, वही संविदा कर्मचारी है। आप जहाँ भी देखोगे मजदूर भी वही हैं हमारे भाई बहन। हमारे गांव में है रानीपुरा गांव हमारा, हमारे भाई बहन मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, वो भी हैं जो लाडली बहना जिन्हें कह के वोट लेते हैं लोग, वो भी है। तो कर्मचारी बनाने का, कर्मचारी ही सरकार बनाते हैं और कर्मचारी ही गिराते हैं। आप इतिहास देख लो, चाहे 2003 का हो, 2018 का हो, बीच में क्या होने वाला है इसका तो आप खुद ही देखोगे। तो कर्मचारी का फार्मूला आपको फिर से रिपीट कर दें, हमने एक बुकलेट भी छोटी सी लिखी है, उसमें पूरी पॉइंट्स लिखे 21 पेज, 5-5 बिंदु हर पेज पे हैं। उसका शीर्षक है सबसे पहले कि प्रदेश का शासकीय सेवक वोट किसे दे, क्वेश्चन वाचक, वोट क्यों दे, क्वेश्चन वाचक। बीच में हमने दिया है प्रदेश का नक्शा, उसके बाद नीचे दिया है सरकार कर्मचारी कैसे बनाता है, नीचे लिखा उसका सूत्र, सूत्र मीन्स फार्मूला। उसके बाद हमने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि सरकार कर्मचारी कैसे बनाता है, विनियमित अनियमित संविदा जो भी मिला हुआ, नियमित कर्मचारी सेवा निर्देशक की संख्या लगभग 20 लाख है प्रदेश में, ये अकॉर्डिंग टू डाटा। अब अगर हम लोग परिवार में चाचा दादा मिला के 4 को होंगे, अगर कर्मचारी के 4 और 20 84 लाख हुए, अगर हमारे रिश्तेदार 4 हमारे कहने में चले, वो मजदूर किसान सभी हैं, वो तो हम 3 करोड़ 20 लाख नहीं हुए, 5 करोड़ 43 लाख तो वोटर थे प्रदेश में। लेकिन कर्मचारी को ये नहीं पता था कि हमसे सरकार बनती है, हम उनके हाथ जोड़ रहे हैं जो हमारे हाथ जोड़ना चाहिए होनी। हम किसी सत्ताधर से नहीं बात कर रहे हैं, हम विपक्ष और सत्ता सभी से बात कर रहे हैं कि कर्मचारी वोट देता है, कर्मचारी सरकार बनाता है। आप लोग सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारे बीच के लोग, हमारे भाई बहन लोग, जैसे कुर्सी पे बैठते हो भूल जाते हो, सदन में अपना वेतन तो बढ़ा लेते हो डबल, उसमें पक्ष और विपक्ष एक हो जाता है जब वेतन बढ़ाते हैं या भत्ते बढ़ाते हैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जब हम लोग कर्मचारी में से किसी एक का फायदा हो गया, किसी से कुछ गलती हो गई, 1500 किसी ने खुशी से भी दे दिया, तो वो कहते हैं आपके भ्रष्टाचारी। भाई हम अपने कर्मचारी को क्या भ्रष्टाचारी कहें। चुनाव का समय, आप ये मान के चल रहे हैं कि यदि सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो बहुत सरकार तो मान ही नहीं रही है। अगर मान पड़ा मध्य प्रदेश में उलटफेर हो सकता है। नहीं, उलटफेर शब्द हम नहीं बोल सकते, ये असंवैधानिक हो जाएगा कर्मचारी जगत के लिए। तो कर्मचारी आचार संहिता से बना है, हम तो आपको घुमा फिरा के बयान दे सकते हैं, हम सत्ता पक्ष के भी खिलाफ नहीं, विपक्ष के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये दोनों ही कर्मचारी हितैषी नहीं है। कर्मचारी हित में किसी ने नहीं दिया। पहले भी 15 महीने सरकार रही, जब टेबल पे बैठ के बल्ला होने में बात हुई, आपके क्षेत्र के भी एक मंत्री जी थे,
आपने घोषणा पत्र में लिखा 5 साल में पूरा कर देंगे घोषणा पत्र, अभी तो बहुत टाइम है, 1.5 साल में सरकार चली गई, वो जो कर रहा है वो ये कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो हमें कोई डर भी नहीं है किसी का, सत्ता हो या विपक्ष हो, मंत्री हो या विधायक हो, यहाँ डर वर का काम है ही नहीं। कर्मचारी अगर डर के चलेगा, उसका नेता डर के चलेगा, तो वो कर्मचारी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। और आप देख लेना, अभी हमने विपक्ष के घोषणा पत्र में कुछ जुड़वाया भी है, उनसे भी निवेदन किया दिल्ली गए थे,